और भी उनकी ड्यूटीज हैं कि सारे फरिश्तों की वो रुका पर भी करते हैं, निगेबानी भी करते हैं, लेकिन आज नबी पाक की बारिगाह में हाजिर हैं। नबी पाक ने उनसे जब पूछा ना, उन्हें अर्ज किया कि या रसूलल्लाह मुझे पता नहीं कि मेरी उम्र कितनी है, अलबत्ता एक अंदाजा है। क्या या रसूलल्लाह, जब अल्लाह ताला मुझे पैदा किया, मुझे बनाया, मैं जब रब की उस तखलीक का मिस्ताक बना तो मैंने चौथे आसमान के ऊपर एक सितारा चमकता और धमकता देखा। वो सितारा जब भी देखा, वो सितारा 70,000 साल के बाद चमकता था, और ऐ आका मैंने उसको 72,000 मरतबा देखा। सुभान अल्लाह। अब जनाबे अली 70,000 को 72,000 के साथ मल्टीप्लाई करें और फिर इसका जनाबे अली कितना जवाब आता है, 70,000 साल के बाद चमकता और मैंने 72,000 मरतबा देखा है। तो नबी पाक ने उसको क्या जवाब दिया? सरकार ने ये क्या फरमाया, वइज्जत रब्बी अनज़ालिकल कौकब, फरमाया ऐ जिब्रील जो सितारा तू चमकता और दमकता देखता था, मुझे मेरे रब की इज्जत की कसम वो सितारा मैं मोहम्मद पाक था। सुभान अल्लाह, मेरे और आपकी आकारी सलातो सलाम। अब जरा अंदाजा फरमाएं, जिब्रील जो सारे फरिश्तों का लीडर है, तमाम कुतुब समाविया का हाफिज है, मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में बार बार हाजिरी देने वाला है, अब उनकी भी अभी तखलीक नहीं हुई, मेरे और आपके आका अलैहि सलाम का नूर पहले भी मौजूद है। इसलिए सरकार ने एक जगह फरमाया, अव्वलु मा खलकल्लाहु नूरी, कि अल्लाह ताला ने सब चीजों से पहले मेरे नूर को तखलीक फरमाया। ये मा जो लफ्ज है ना, ये इस बात पर दलालत करता है कि जनाब मां का दायरा बहुत आम है। फरमाया मां खलक अल्लाह, कि जो भी अल्लाह ने पैदा किया, और हर चीज को पैदा रब ने ही नहीं किया है ना, ये जमीन, ये आसमान, ये शम्स, ये कमर, ये फौक, ये तहत, ये खलब, ये कुदाम, ये यमीन, ये यसार, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, सब कुछ पैदा मेरे रब ने ही किया है। और सरकार फरमाते हैं कि इस सारी मखलूक से पहले अल्लाह ने मेरे नूर को तखलीक फरमाया। इसलिए तो एक बुजुर्ग बोले, वो इरशाद फरमाते हैं, बस अहद सी या अहमद सी, एक कुल पसारा कल बने, बस अहद सी या अहमद सी, एक कुल पसारा कल बनिया, यार दियां गल्ला यार जनल, यार दियां गल्ला यार जनल, ए आदम बिचारा कल बनिया, ए आदम प्यारा कल बनिया, ए आदम प्यारा कल बनिया। मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर को सबसे पहले अल्लाह ने तखलीक फरमाया। फरमाया हमने आपको भेजा। अब देखिए कि भेजने वाला खुदा हो और आने वाला मुस्तफा हो। अब देखें कि हमारी तखलीक हुई है, रब ने हमें पैदा किया है, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने भेजा है। तो जनाबे यार, जब भेजा है तो क्या देकर भेजा, क्या देकर भेजा, ये भी बात याद रखिएगा कि अल्लाह ताला ने यहां फरमाया बिल हक, हक के साथ भेजा। और ये बात याद रखिएगा, हक अल्लाह ताला ने खुद अपने आप को भी हक कहा, अल्लाह ताला ने कुरान को भी हक कहा, अल्लाह ताला ने नबी पाक के दीन और इस्लाम को भी हक कहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद नबी पाक को भी हक कहा। अब देखिए कि अल्लाह ताला क्या हक है या नहीं, खुदा खुद फरमाता है, फतअल्लाहुल मालिकुल हक, अल्लाह ताला हक है। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान की तरफ फरमाया,
وبالحق انزلناه وبالحق نزل, ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ بھیجا نازل کیا اور حق سے کے ساتھ ہی وہ نازل ہوا. پھر اللہ تعالیٰ نے دین کو بھی حق کہا, فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. اب دیکھیے کہ دین کو بھی حق کہا, پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرے کا فرمایا قد جاءکم الحق, کہ تحقیق تمہارے پاس حق آیا. حق کسے کہتے ہیں؟ حق اسے کہتے ہیں جس میں کوئی شک نہ ہو, کوئی ڈاؤٹ نہ ہو, کوئی عیب نہ ہو, کوئی نقش نہ ہو. تو میرے بھائیو, نبی پاک میں کوئی عیب ہے ہی نہیں, کوئی ڈاؤٹ ہے ہی نہیں. آپ کے ظاہر میں بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں, باطن میں بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں, جسم میں بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں, روح میں بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں, والدین میں بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں. آپ کے حال کو دیکھیے, استقبال کو دیکھیے, ماضی کو دیکھیے, کسی جگہ بھی میرے بھائیوں کوئی باطل, کوئی ڈاؤٹ ہمیں نظر آتا ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو سراپا حق بنا کر بھیجا, حق بنا کر بھیجا. اللہ اکبر. تو جب میرے بھائیوں حق ہیں آپ, تو پھر ان کے ساتھ آپ بھی جڑ جاؤ. اللہ رب العزت آپ میں جتنے بھی عیب ہیں ان کو دور فرما دے گا, جتنے بھی نقائص ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دور کر دے گا. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے, تو پھر آپ یہ بات یاد رکھیے گا, یہاں آپ آ کر بشیر نہیں بنے. کیا کہہ رہا ہوں؟ یہاں آ کر نبی پاک نذیر نہیں بنے, یہاں آ کر نبی پاک رحمت اللہ العالمین